हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश रीडर की लेसन वन की द हाउस विद द गोल्डन विंडोज का रीडिंग करी थी। आगे के टू पेजेस पढ़े थे जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में स्टोरी को डन करा है। हाफ स्टोरी ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। लास्ट हमने ये छोड़ा था कि स्टीव ने जब सारी स्टोरी मिस कैंपबेल को बताई तो उनका क्या रिएक्शन था। अब जो रिएक्शन था वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। मिस कैंपबेल मूव्ड हर हैट फ्रॉम साइड टू साइड एंड लाफ। मिसेस कैंपबेल ने अपना फेस साइड करके हंसने लगी। वी आर पुअर फार्मिंग पीपल एंड आई डोंट थिंक देयर विल एवर बी एनी गोल्ड ऑन आवर विंडोज। वो कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हम पुअर फैमिली है, हम लोग कहां से लाएंगे गोल्ड की विंडोज, सोने की विंडोज। एनीवे वैसे भी ग्लास बेटर है गोल्ड से, ताकि हम ग्लास से आसपास देख तो सकते हैं, गोल्ड की विंडो से तो देख भी नहीं सकते। शी आस्क्ड स्टीव टू सिट डाउन एंड रेस्ट। वो स्टीव को बोलती है बैठो और रेस्ट करो। वो स्टीव के लिए मिल्क लेकर आती है और कुछ केक लेकर आती है। देन वो लिटिल गर्ल पॉला को बोलती है, जो कि किसकी एज थी, स्टीव की ही एज थी, वो उसके साथ बैठती है पॉला। मिसेस कैंपबेल चली जाती है वापस अपने काम पे उन दोनों बच्चों को छोड़ के। वो दोनों खेलते हैं, बातें करते हैं एक साथ। स्टीव एंड पॉला वंडर अराउंड हर फैमिली फार्म। स्टीव एंड पॉला दोनों ही अपनी फैमिली के फार्म में हेल्प करते हैं। पॉला शो करती है उसे अपनी ब्लैक काफ, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी। ये है गर्ल पॉला। वो स्टीव को अपनी ब्लैक काफ शो करती है, कहती है इसका नाम प्रिंसेस है। क्यों? क्योंकि इनके हेड पे स्टार बना हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम प्रिंसेस रखा है। ड्रेक क्रैप्ड अप टू द रूफ टू सी हर कैट एंड हर किटन्स। फिर वो रूफ पे किटन्स से मिलते हैं, उसकी किटन्स और कैट दोनों से मिलवाती है। पॉला एंड स्टीव दोनों जल्द ही फ्रेंड बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्टीव पॉला से उस गोल्डन विंडोज के बारे में पूछता है। तो पॉला कहती है मुझे पता है ये सब क्या है, मतलब गोल्डन विंडोज तुम्हें क्यों दिख रही है, वो उसे बताती है। वो कहती है तुमने गलत देख लिया है, रॉन्ग वे पे तुम गए हो। हंसती है वो भी, कहती है चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ कहाँ से गोल्डन विज जो दिखती है, मतलब वो कहती है हमारे घर के पीछे जो घर है ना उसके गोल्डन विंडोज है, मैं तुम्हें शो करती हूँ। वो उसको लेके जाती है तो उसे बताती है कि जो गोल्डन विंडोज है वो कब शो होती है, जब सन डूब रहा होता है ना तभी गोल्डन विंडो शो होती है। स्टीव कहता है हाँ मुझे पता है, जब भी सन डूब रहा होता है तभी गोल्डन विंडो दिखती है। दोनों वेट करते हैं वहां पे। सन वॉज स्टार्टिंग टू गो डाउन, जब जैसे ही सन, वो दोनों वहां पे वेट करते हैं सन के डाउन होने का, मतलब डूबने का। पॉला टर्न करती है, पॉइंट करती है जब सन डाउन होने जा रहा होता है ना, कहती है वो देखो, एंड वन डे जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग टू गो एंड लुक फॉर दैट हाउस। कहती है वो देखो वो रही गोल्डन हाउस, ऐसी कहते और उसे बताती है मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन ऐसे ही गोल्डन हाउस देखने के चक्कर में ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच गई थी। कहती है उस हिल के दूरी पर वो एक घर दिख रहा है तुम्हें, उसकी विंडोज गोल्ड है, देखो उस विंडोज को। स्टीव कहता है उस हाउस को देख के, कहता है वो तो मेरा ही घर है, उसकी विंडो तो चमक रही है, मतलब बिल्कुल सन की रेस के कारण इतनी तेज चमक रही जैसे लग रहा है कि गोल्डन विंडोज है। सडनली स्टीव को रियलाइज होता है कि ये सब क्या हो रहा था उसके साथ, कि जो गोल्डन रेस थी ना उसकी, सन की रेस के कारण वो इतना चमक रहा था, जिसके कारण ग्लासेस इतने ज्यादा ग्लिटर से चमक रहे थे कि वो गोल्ड की तरह हमें दिख रहे थे। किसकी तरह दिख रहे थे? गोल्ड की तरह। सो ये देखिए, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बच्चे खड़े हैं और ये विंडोज देख रहे हैं दूसरे हिल से। तो ये है पॉला का हाउस, ये है स्टीव का हाउस। तो स्टीव कहता है थैंक्स पॉला और बाय कहता है, क्योंकि उसने ऐसे बताया कि गोल्डन विंडो का राज क्या है। और कहता है मुझे घर चलना चाहिए रात होने से पहले। पॉला सनसेट की तरफ खड़े होकर उसे बाय करती है उसकी तरफ, और वो धीरे धीरे चले जाता है। कौन? स्टीव। और सन धीरे धीरे डूबता चले जाते हैं। स्टीव घर पहुंचता है, लैंप लाइट जल रही होती है विंडो के पास,
ऑलमोस्ट गोल्डन विंडो की तरह ही चमक रही होती, क्योंकि लैम्प लाइट विंडो के पास रखी होती है. व्हाट ही ओपन द डोर, हिज मदर केम ओवर टू हग हिम. अब जैसे ही डोर खुलता है उसकी मदर आती है और उसे हग करती है, और जो उसके फादर होते हैं वो अंदर फायर के पास बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं उसे देख के, स्माइल कर रहे होते हैं और पूछते हैं क्या आज का दिन तुम्हारा अच्छा रहा. स्टीव पूछते यस डैड, यस बहुत अच्छा रहा. फादर पूछते क्या तुमने कुछ लर्न करा आज के दिन. स्टीव कहते यस आई लर्न कि डैट आवर हाउस टू हैज गोल्डन विंडोज, कि हमारे घर की भी गोल्डन विंडोज है. तो ये थी आपकी स्टोरी द हाउस विद द गोल्डन विंडोज. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.